नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? खुश हो ना, मस्त हो ना, खुशी रहो, मस्त रहो। आशा करता हूँ कि आप सब खुशी होंगे। दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त सिद्धेश आपके सामने हर वक्त नए नए विषयों के वीडियो सादर करता हूँ। वीडियो के विषय हर वक्त अलग अलग होते हैं, कभी आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, भावनिक होते हैं, पर्यटन विषय कर भी होते हैं। ऐसे नए नए विषयों के वीडियो में आपके सामने सादर करता हूँ। दोस्तों, आप जो मुझे प्रतिसाद देते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, 9923106478, ये जो मेरा नंबर है, यहाँ पे कई लोग मुझे फोन करते हैं और आपके इस सकारात्मक प्रतिक्रिया से मेरा उत्साह भी दुगना होता है। इसलिए मैं सर्वप्रथम आपके आभार मानता हूँ। दोस्तों, हमारा आज का विषय भी ऐसे कुछ अलग सा है। अलग सा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि परसों ही अभी महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि का उत्सव है, त्योहार है महाशिवरात्रि का। दोस्तों, ये महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में है, जहां पूर्णिमांत मास होता है वहां पे फाल्गुन मास में होती, और जहां पे अमांत मास होता है वहां पे ये माघ मास में आती है। ऐसा ये महाशिवरात्रि का वह जो त्योहार है, हमारे प्यारे महादेव जी शिव जी का ये त्योहार है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व इस 2022 में, मैंने जैसे बताया, 1 मार्च मंगलवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र पर मनाया जाएगा। दोस्तों, जिसका मैंने बताया कि निश्चित काल जो होता है शिव पूजन का, कुछ निश्चित काल जो है वो उस दिन का रात 12:22 से लेकर रात को 1:12 तक है। दोस्तों, निश्चित काल और जो भी उनकी पूजा होती है, इसलिए मैंने काल बताया। ये तो हर महीने में ये शिवरात्रि आती है, प्रदोष और शिवरात्रि आप सबको पता है, लेकिन पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार मैंने जैसे बताया कि फाल्गुन मास में, और अमांत पंचांग के अनुसार ये माघ मास में आने वाली यह महाशिवरात्रि का खास, एकदम खास ऐसे महत्व होता है। इस मौके पर जो शिव भक्त होते हैं वो शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक एवं बिल्वार्चना करते हैं। कई भक्त अपने घर पर ही शिवलिंग बनाते हैं और उन पर अर्चना करते हैं। बहुत से भक्त शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उस दिन उपवास रखते हैं, फलाहारी होते हैं और रात्रि के समय जागरण करते हैं, शिव कथा सुनते हैं। अगर दोस्तों स्फटिक शिवलिंग की पूजा की जाए तो उससे मनोरथ सिद्धि होती है। रजत शिवलिंग की पूजा आप करते हो तो राज्य प्राप्ति एवं पितरों का उद्धार होता है। सुवर्ण शिवलिंग की पूजन करने से सत्यलोक एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ताम्र शिवलिंग पूजन से दीर्घायुष्य प्राप्त होता है, और लोहे की शिवलिंग पूजन से शत्रु का नाश होता है। दोस्तों, अगर हम गोमय का शिवलिंग बनाते हैं, उस गोमय के शिवलिंग पूजन से रोग की मुक्ति होती है। ऐसे हर विविध सामग्री से शिवलिंग अगर बनाते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो उसकी विविध फल प्राप्ति बताई जाती है। ऐसे हमारा शास्त्र वचन में बताया गया है, मैंने कुछ आपके सामने यहाँ पे बताया। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधुओं के लिए एकदम खास, बहुत ही ये महत्व रखती है, यह उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भक्त पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। दोस्तों, महाशिवरात्रि भारतीयों का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार बताया जाता है। पूरे भारत हिंदुस्तान में मनाया जाता है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से ये महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि कहते हैं, मैंने जैसे आपको कहा, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मैं कहता हूं, यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वाराणसी जो शिव नगरी है, मोक्षदायिनी है, वहां पे भी ऐसे ही होता है। दोस्तों, इस विषय पर कुछ कथाएं भी हमें
शास्त्र धर्म ग्रंथों में बताई देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथा है, हर एक कथा हमें वही बताती है शिव की भक्ति। एक बार क्या हुआ, पार्वती जी ने भगवान श्री शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे यह मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव जी ने कहा पार्वती जी को, शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा उन्होंने सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था, पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था, पालन पोषण करता था पशु हत्या करके। वह एक साहूकार का ऋणी था, कुछ क्या होगा उसे, लेकिन उसका ऋण का समय वो समय पर न चुका सका, जो ऋण था वो समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवन मठ में, शिव मंदिर में बंदी बना दिया। संयोग से ही उस दिन शिवरात्रि की रात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी जो भी धार्मिक बातें, जो भी धार्मिक कथा वहां चल रही थी वो सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत की, इस शिवरात्रि की व्रत की कथा भी सुनी। वहां बोल रहे थे कोई सज्जन, संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। शिकारी ने कहा अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया उसने। उसने कहा बंधन से छूट गया और वो अपनी दिनचर्या की भ्रांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो बिल्कुल भूखा था, भूखा प्यासा था और भूख प्यास से वो व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे एक बिल्व वृक्ष था, जो बेलपत्र होता है हम शिवजी पे चढ़ाते हो, उस वृक्ष पर बैठ गया, पड़ाव लगाया उसने। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता भी नहीं था। पड़ाव बनते समय उसने जो टहनिया तोड़ी, जिस पेड़ पर वो बिल्व वृक्ष पर बैठा था वह टहनिया तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गई, गिरती रही वहां पर। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसको शिवमठ में बंद किया था। शिवलिंग पर बेल पत्र की अर्चना हुई, बिल्व पत्र चढ़ गए। एक प्रहर रात्र की बीत जाने पर एक गर्भिणी मुर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंच गई। देखो दोस्तों, बहुत ही कथा ये सुनने वाली है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया, जो ही प्रत्यंचा खींची वह मुर्गी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी, तुम एक साथ दो जीवों की, तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष हाजिर होती हूँ, प्रस्तुत हो जाऊंगी मैं आपके सामने, तब मार लेना, मेरी शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मुर्गी जंगली की ओर झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मुर्गी उधर से निकली। देखो दोस्तों, शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, शिकारी है वो। तब उसे देख मुर्गी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं
थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, मैं आपके पास आ जाऊंगी शीघ्र ही। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा खनक गया, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मुर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, बहुत ही बड़ा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। पहले दो शिकार तो छूट गई थी, वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मुर्गी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके आपके सामने लौट आऊंगी। इस समय वो शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दू, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैंने दो बार अपना शिकार खो चुका हूं, खो दिया है मैंने दो बार ऐसे। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मुर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए मुझे जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ, आपको वचन देती हूँ। मुर्गी का दिल स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। जो स्वर था वो बहुत ही दीन था, उस मुर्गी को भी उसने जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र एक एक तोड़ने लगा, तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने जा रहा था। वो फटने हुई तो एक पृष्ट पृष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। देखो दोस्तों, अरुणोदय हो गया था ऐसे में कह रहा हूं। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख कर वह मृग बहुत ही विनित स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मुर्गियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मुर्गियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। ये मृग की, ये नर मृग था, उसकी बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया, उसको वो दिखने लगा, उसके दिमाग में आ गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा बद्ध थी, ये प्रतिज्ञा बद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा,
जैसे तुमने उन्हें विश्वास मात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र का अर्चना। बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। पश्चाताप हुआ उसका, उसको पश्चाताप हुआ। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना यह देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। सब भगवान देख रहे थे इस घटना को। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि, पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। यह महाशिवरात्रि का दिन था। दूसरी कथा अगर हम देखते हैं तो आप सभी को पता है समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन अमर अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी, और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था, इसलिए वो नीलकंठ कहा जाते हैं। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला बहुत ही नीला नीला हो गया था, और इसी कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी, जो भी वैद्य थे उन्होंने। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाने लगे। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है, इसे कहा जाता है, जिससे शिव ने दुनिया को बचाया था।
तब से इस दिन भक्त शिव भक्त उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। ऐसी यह महाशिवरात्रि की ये कथा मैंने आपको बताई, हम सबको शुभ फल प्राप्त करे यह शिवरात्रि, भगवान महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, यह शुभेच्छा मैं आप सबको देता हूँ। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पापम प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणम भक्ति मुक्ति प्रदायकम। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैंने दोनों कथाएं कही आपको बताई, यह जानकारी सामाजिक और धार्मिक आधार पर है। इसका उद्देश्य किसी अंधविश्वास को फैलाना या बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए किसी को भी गलत नहीं समझना, बिल्कुल भी गलत नहीं समझना चाहिए। यह महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो त्योहार है, उस दिन मैंने जैसे कहा रुद्राभिषेक किया जाता है, बिल्वार्चना की जाती है। जिन शिव भक्तों को रुद्राभिषेक न कर सके, बिल्वार्चना न कर सके, तो घर बैठे शिव जी के ऊपर जलधारा लगाए और श्री रुद्रायण महा का जाप करें ज्यादा से ज्यादा, और भगवान महादेव की कृपा संपादन करें। ये जो वीडियो है शिवरात्रि का, जो कथा मैंने बताई, वो आपको कैसे लगी उसकी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और खुश रहे अपने परिवार का, अपनी सेहत का, अपने आरोग्य का ध्यान रखे, और भगवान शिव जी की कृपा संपादन करे। महाशिवरात्रि के इस त्योहार को आप सबको, आप सब परिवार को अगेन 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 अगेन, जैसे मैंने कहा वापिस वापिस बार बार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।